और अब कुछ खबरें तिजारती दुनिया से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़रई शोबे के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के 2 साल के तवील अमल को आसान और फास्ट ट्रैक बना दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब सीड कौंसिल का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के अमल को बेहतर करने के इकदामात का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब में बीज और वैरायटी की मंजूरी के अमल को फास्ट ट्रैक और बेहतर कर दिया गया है। विभागीय हुकूमत की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब सीड कौंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के लिए अब सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीज और नई वैरायटी की मंजूरी का प्रोसेस फास्ट ट्रैक होने से ज़रई शोबा तेजी से फले फूलेगा। इस इकदाम से नए बीज और नए वैरायटी मार्केट में आएगी और काश्तकार को बेपनाह फायदा होगा। अगस्त 2023 में करंट अकाउंट का खसारा 16 करोड़ डॉलर की सतह तक महदूद रहा। अगस्त 2022 में करंट अकाउंट खसारा 70 करोड़ 40 लाख डॉलर था। रवां माली साल के 2 माह में करंट अकाउंट खसारा 93 करोड़ 50 लाख डॉलर की सतह पर रहा। माली साल 2023 के 2 माह में करंट अकाउंट खसारा 2 अरब डॉलर था। जुलाई 2023 में करंट अकाउंट खसारा 70 करोड़ 50 लाख डॉलर था। मुल्क के मजमूई तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 7 करोड़ 91 लाख डॉलर हो गए हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब 63 करोड़ 89 लाख डॉलर पर मौजूद है। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 14 करोड़ डॉलर कमी हुई। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी बैरूनी कर्जों की अदायगियों के बायस हुई। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 44 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं।